जय माता दी। मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज आपको बताने जा रही हूँ तुला राशि, तुला लग्न या आपके नाम से तुला राशि बनती है तो कब होगी आपकी अपनी प्रॉपर्टी, कब बनेगा आपका अपना घर। हर इंसान के मन में होता है कि उसका अपना घर जरूर हो, चाहे वो घर दो कमरों का ही क्यों ना हो, पर अपना होना चाहिए, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिशें करता है। तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि आपके पास पैसा होता है तो मकान आपको समझ नहीं आता है, मकान समझ में आता है तो उतनी कीमत आपके हाथ में नहीं होती है। पूरा अगर हम ओवरऑल सोचें तो मकान अपना होने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? उस समय मन में ये विचार आता है, क्या हमारी किस्मत में प्रॉपर्टी नहीं है? तब आप एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी, एक पंडित के पास जाके पूछते हैं, कब होगा मेरा अपना घर, कब बनाऊंगा या कब बनाऊंगी मैं अपनी प्रॉपर्टी, मुझे अपने जीवन में अपना घर जरूर चाहिए। तो आप स्वयं कैसे देख सकते हैं कि आपकी जन्म पत्री में प्रॉपर्टी योग है या नहीं, और यदि योग है तो कब है, कब आपको लेना चाहिए? तो इस विषय पर आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ कि आपके अपने जीवन में प्रॉपर्टी योग कब बनता है, कब आपको अपनी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ये योग स्वयं आप अपनी जन्म पत्री में देख सकते हैं कि कब आपका अपना घर होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, अंक शास्त्र और अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिले और आप उनसे लाभ उठा सके। यदि आपकी तुला राशि है, तुला लग्न है या आपके नाम से तुला राशि बनती है तो कब होगी अपनी प्रॉपर्टी? सबसे पहले जानते हैं जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं। पहले घर को हम लग्न कहते हैं। लग्न द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और बारहवां घर। ये 12 घर जन्म पत्री में होते हैं। हर घर का अपना एक विशेष महत्व होता है। अब हमें प्रॉपर्टी सुख देखना है कि कब बनेगा, तो उसके लिए दो घर बहुत महत्वपूर्ण है, पहला घर जिसे हम लग्न कहते हैं और चतुर्थ घर यानी कि जन्म पत्री का चौथा घर। दोनों घर को देखकर हम पता लगाएंगे कि कब होगी हमारे जीवन में अपनी प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ आपकी जन्म पत्री में मंगल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद के कारक ग्रह मंगल हैं, तो आपका मंगल भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आइए अब कुछ योग बताने जा रही हूँ, जो योग यदि आपकी जन्म पत्री में बन रहे हैं तो आपके जीवन में अपनी प्रॉपर्टी जरूर होगी। सबसे पहला योग है, यदि आपका लग्न का स्वामी यानी कि पहले घर का स्वामी और चतुर्थ घर का स्वामी एक साथ जन्म पत्री के 12 घरों में से किसी भी घर में बैठे हैं, यानी कि लग्नेश और चतुर्थेश जन्म पत्री के किसी भी भाव में युति संबंध बना के बैठे हैं, तो आपके जीवन में आपकी अपनी प्रॉपर्टी जरूर होगी। कब होगी? जब आपकी लग्नेश या चतुर्थेश की महादशा और अंतरदशा आएगी, उस समय आपका प्रॉपर्टी का योग बनेगा। दूसरा योग है कि जब लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हों, तो आपका प्रॉपर्टी योग बनता है। कब बनेगा? जब लग्नेश और चतुर्थेश की दशा अंतरदशा आएगी, उस समय आपका प्रॉपर्टी का योग बनेगा। तीसरा योग, यदि आपकी जन्म पत्री में कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, ध्यान से सुनिए, कोई भी ग्रह उच्च का होकर चतुर्थ भाव यानी कि जन्म पत्री के चौथे घर में बैठा है, तो आपका प्रॉपर्टी योग बनता है। बहुत अच्छा योग माना जाता है और आप अपने जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाते हैं। प्रॉपर्टी भी आपकी मौके की होती है, जिसकी बहुत वैल्यू होती है। तो कब होगा? जब उस उच्च के ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी, उस समय में आपका प्रॉपर्टी योग बनेगा। इसके अलावा यदि आपका लग्नेश या चतुर्थेश केंद्र में यानी कि 1, 4, 7 और 10वें घर को केंद्र कहते हैं, या त्रिकोण में यानी कि पहले घर में, पंचम भाव में और नवम भाव में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका प्रॉपर्टी योग बनता है। अब कब बनता है? जब आपकी लग्नेश और चतुर्थेश की दशा या महादशा आएगी, उस समय में आपका प्रॉपर्टी योग बनेगा। इसके अलावा यदि मंगल आपके उच्च के हैं, किसी भी भाव में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में
आप प्रॉपर्टी योग जरूर बनेगा। मंगल उच्च के होकर या स्वग्रह ही होकर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी जरूर बनती है। तो मित्रों, ये थे कुछ योग कि जिसको आप स्वयं देख के जान सकते हैं कि आपके जीवन में आपकी अपनी प्रॉपर्टी कब बनेगी, किस समय में बनेगी और किस प्रकार से बनेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फाइनेंशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूजफुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।